सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट के लाइफ में है। स्टूडेंट्स के लाइफ में ही नहीं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सारे जो लोग यहाँ पर रहते हैं अर्थ पर, वो सारे लोगों को एक ही परेशानी है, वो है टाइम मैनेजमेंट की। वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए उसके बारे में 5 टिप्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो बुक से पढ़ी है, बाकी कुछ लोगों से पढ़ी है, वो सारी चीज़ों को एक जगह पे लाके एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर ऐड करके 5 सुपर टिप्स आपको देने वाला हूँ, जो यूज़ करके आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो अपने लाइफ के अंदर या फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना रिश्ता जो है उसको बढ़ा सकते हो, या फिर टाइम को आप कंजर्व कर सकते हो। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लास्ट तक देखना अगर चाहते हो कुछ सीखना। तो सबसे पहली जो टिप आपको रहेगी वो रहेगी कि आपको अपने टाइम को एनालाइज करना पड़ेगा। वेयर योर टाइम गोज, आपका समय कहाँ पे जा रहा है वो सबसे पहले आप एनालाइज करो। तो ये कैसे एनालाइज करें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नोटबुक लेना है या फिर आप ब्लैंक पेजेस ले सकते हो, जिसके ऊपर आपका जो कल का जो रूटीन था, जो कल आपने जो सारी चीज़ें जो काम किया उसको आपको लिख लेना है। कि आप जब सुबह उठे तो आपने अगर 9 बजे आप उठे या फिर 8 बजे उठे तो आप 8 से 9 बजे तक आपने क्या किया, 9 से 10 बजे खाना खाया तो उसके अंदर कितना समय गया, उसके बाद पूरा वो साइकिल जो आपने अगले या फिर पिछले डे में जो किया वो सभी आपको उसके अंदर लिख लेना है। वो आगे उसका समय लिखना है कि 10 मिनट मैंने यहाँ पे लगा दिए, 20 मिनट मैंने यहाँ पे लगा दिए, 1 आवर मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, सो आपने क्या किया कि आपके जो पूरा टाइम था उसको एनालाइज किया कि हमारा जो कल का जो दिन था वो एक्चुअली गया कहाँ पे। सो आपने टाइम को एनालाइज किया। सो ये रहेगी अपनी फर्स्ट टिप या फिर फर्स्ट स्टेप, जो कि है एनालाइज योर टाइम। सेकेंड स्टेप जो रहेगी वो रहेगी कि आपने जो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली स्टेप की थी वो थी टाइम एनालिसिस। तो जो आपने टाइम एनालिसिस किया उसको आप देखो, थोड़ा समझो कि आपका अननेसेसरी टाइम जा कहाँ पे रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें कि जो आप 10 मिनट में कर सकते लेकिन आपने उसको 20 मिनट लगा दिए, आपने उसको 30 मिनट लगा दिए। सो ये चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जो अनवांटेड आपने टाइम वहाँ पे वेस्ट किया उसको आपको कंजर्व करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअली में एक समय होगा कि जहाँ पे आपको जो टाइम है वो बचा हुआ दिखेगा। ठीक है, सो अनवांटेड चीज़ें जो थी उसके अंदर जो टाइम आपने लगाया उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, उसको आप क्या करोगे, कम करोगे। तो ये धीरे धीरे चीज़ें होगी, एकदम से सब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है एक्चुअली, तो वहाँ से आप उसको फाइंड करके उसको आप करेक्ट करके अपने समय को बचा सकते हो। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट रहेगा कि जो अनवांटेड चीज़ है जहाँ पे टाइम नहीं जाना था, मतलब फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया यूज़ किया तो आपने यहाँ पे 2 आवर सोशल मीडिया यूज़ किया, ठीक है, 2 घंटे आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, तो वहाँ पे आप उसको 1 आवर 1 तास पे लाओ, 1 घंटे पे लाओ, या फिर आप उसको 30 मिनट्स 20 मिनट्स पे लाओ, ताकि कम करो, क्योंकि वो उतना समय मुझे नहीं लगता देना चाहिए। जब एग्ज़ाम पास में हो, जब टाइम मैनेजमेंट की बात हो, जब आप ऐसे एज में हो जहाँ पे आपको नॉलेज गेन करना है, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। सो तीसरी जो स्टेप रहेगी वो है अनअवेलेबल हो जाना। सो अनअवेलेबल मतलब क्या होता है, तो देखो कभी कभी क्या होता है, किसी अगर दोस्त का यहाँ पे बर्थडे है तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पार्टी करनी है, आपको केक काटना है, तो ये सारी चीज़ें, या फिर किसी फंक्शन पे जाना है तो आप जाओगे, या फिर किसी अदर काम है तो वहाँ पे आप जाओगे। अगर आप अवेलेबल रहोगे तब आपको लोग बोलेंगे, अगर आप अनअवेलेबल हो तो आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर बर्थडे आपको विश देना है, आपने दे दिया, ठीक है, लेकिन आपको जाना नहीं है, आपको टाइम कंजर्व करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अनअवेलेबल हो जा सकते हो। मतलब स्टूडेंट को जो आपके फ्रेंड है उसको आपका कॉल भी नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें, और एक बार आप वो सेपरेट हो गए ना तो बार बार वो आपको कॉल भी नहीं करेंगे। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो, ठीक है, ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पे फोकस हमारा ये है कि टाइम कैसे बचाएं, ठीक है, धीरे धीरे वो सारे समय को हम बचाएंगे, ठीक है। सो सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पार्टी के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ टाइम लगता है और हमें अपना टाइम बचाना है, इज़ आवर मेन गोल, ठीक है। सो अनअवेलेबिलिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये रहेगी अपनी थर्ड टिप। सो जो फोर्थ टिप रहेगी वो रहेगी वेक अर्ली, आपको जल्दी ही उठना है। अब ऐसा नहीं कि आपको कम सोना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो जो रात में 12 बजे सोता है और सुबह 9 बजे उठता है, या फिर सुबह 8 बजे उठता है, तो उनके जो स्लीपिंग आवर्स है वो हो गए 8 आवर्स, ठीक है, तो उसको वो कम नहीं करने पड़ेंगे। उसको 12 बजे वो सोता है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10 बजे सोना है और आपको 6 बजे उठना है,
ठीक है, मतलब जो स्लीपिंग आवर्स है वो उतने ही रहेंगे, लेकिन आपने क्या किया, आप जल्दी सोए और आप जल्दी उठ गए, मतलब वो टाइम जो था वो लिमिटेड रहा उतने 8 आवर्स का। तो इस तरीके से, क्योंकि आप जल्दी अगर सोओगे तो आप जल्दी उठोगे तो सारी चीज़ें आप मैनेज कर पाओगे, सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है वो हेल्थी होता है, और आपको नेचुरली प्रोसेस जो एनवायरनमेंट की है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसके अपोजिट आप नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको लेजीनेस होगा, आपको डिप्रेशन होगा, आपको एंजाइटी होगी, ये सारी चीज़ें। तो आपको साइकिल के साथ मूव होना है, ऐसा नहीं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, बीच में का जो स्लीपिंग आवर्स है वो बिल्कुल भी कम नहीं करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो अपना दिन है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, जो 5th नंबर की स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है कि हमको बहुत पेन होता है कि जब हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि मैं ये करूँगा और वो नहीं कर पाते, तब हम अपना माइंड जो है वो हमको ही बताता रहता है कि ये चीज़ मेरे को करनी थी लेकिन हमने नहीं किया, और उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने टाइम मैनेजमेंट किया, हमने टाइम टेबल्स बनाए स्टडी के, लेकिन वो फॉलो नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो नहीं हुए, वी आर नॉट द मशीन्स, ओके, वी आर ह्यूमंस, हम मशीन नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है आपके घर में जो आप वॉच लगाते हो वो समय पे बरोबर राइट चलती है, लेकिन कभी कभी के अंदर जो सेल बैटरी होती है वो अगर ख़राब हो गई तो वो 1 साल के अंदर 1-2 बार भी गलत हो जाता है। मतलब मशीन भी जो काम चीज़ें हैं वो टाइम पे नहीं कर पाती। तो हम तो ह्यूमंस हैं, हम तो सोशल है, हम तो नेचुरल चीज़ें हमको है, बाकी सारी चीज़ें है कि कभी कभी हम डिसाइड करते कि ये समय में मैं वो करूँगा लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो खुद को पेन नहीं देना है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो नेचुरल चीज़ है वो होती ही रहेंगी। सिर्फ आपको क्या करना है कि कैसे हम खुद से कुछ अपने लिए कर सकते हैं, हम टाइम को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। मतलब वो जो पेन है ना उसको फील मत करो यार, वो नेचुरल चीज़ होगी हमारे लिए और आप सभी के लिए। तो ये थे मेरे आज के 5 पॉइंट्स, आज 5 टिप्स मैं आपको देने वाला था, और वो मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। इतने भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल्स है, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएबल है और इफेक्ट लाइफ में डाल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।